आप उधर आ जाओ प्लीज, प्लीज उधर आ जाओ प्लीज प्लीज, दो मिनट के फिर जनता भाई प्लीज, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे बस बाइट्स कर लेते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाइट्स करवा लेते, म्यूजिक बंद हो गया। ओके सो फर्स्ट रोल है गाइस। ओके फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, मेरी पारी की शुरुआत होने वाली है। एक का भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। ओके कांग्रेचुलेशन, नई पारी की शुरुआत हो चुकी है, काफी ग्रैंड रिसेप्शन है, क्या कहना चाहोगे? बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। इधर एक ही जगह बोल रहा हूँ, इधर देख के वहाँ देख के जवाब दो, सवाल कहीं से भी आएगा। इतना सबसे पहले तो हमेशा की तरह नर्वस फील हो रहा है, आप लोग इतने सारे हो लेकिन आप सब लोग आए, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और रिसेप्शन जो है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हम इतना ज़्यादा खुल के नहीं इन्जॉय कर पाए क्योंकि इतने सारे लोग अभी मिलने आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, उसके बाद अभी हम घूमेंगे। लेकिन जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भाई भाभी ने और आरती सारे लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया और मेहनत करी, तो सब अच्छे से हो गया। अच्छा हाँ, आज सबके सामने आया हूँ। हाँ थैंक यू। बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिला है माशाल्लाह। कितने अच्छे से बिल्कुल सीख गया, सीख गए तो। ये सारी चीजें कितनी अलग है आपके लिए, पहले अलग था लेकिन अभी मुझे सब नॉर्मल लगता है, आदत हो गई मुझे अभी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शायद था और लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो वो सोचता है कि सबा को मैं इतना सब ऐसा ना फील हो के मुझे आता नहीं है कुछ, तो वो 200% देता है। सबा जी आपको सेंटर देखना है। अच्छा, स्वागत नहीं किया था, अभी कर दिया। नहीं ऐसे ही बस मेरा दिमाग कैसे हो गया, तो मैंने कहा नहीं है किसी के स्वागत, थोड़ा सा फनी है तो वैसे ह्यूमर उसका बीच बीच में चलता रहता है। तो कैसा है आपका ये शादी के बाद वाला एक्सपीरियंस, साल में कैसा लग रहा है आपको, कितना अलग लग रहा है, फैमिली को कितना मिस कर रही है इसके बाद? फैमिली को देखिए बहुत ज़्यादा हमेशा मिस करते हैं, हमेशा इतना ज़्यादा क्लोज हूँ ना सबसे, अम्मी पापा रिजा रियान भाई भाभी सबसे ही, तो फैमिली को तो मिस करते ही है, लेकिन ससुराल में बहुत ज़्यादा प्यार और अपनापन मिल रहा है।
इतना मैंने नहीं सोचा था, सबको पता है कि कैसे कैसा सिचुएशन, अपनी स्टोरी मैंने सबको बताई थी, लेकिन सच में इतना ज़्यादा सपोर्टिव अगर पार्टनर हो, फिर उसके मम्मी पापा सारे लोग, तो बहुत ऐसा मैं बहुत खुशी रहती है। थैंक यू। खुश रहती है। और मैम आप क्या कहना चाहोगे दीपिका मैम, वो शोएब सर ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है, क्या कहना चाहोगे उसको? उन्होंने फंक्शन उसके लिए जितनी भी वर्ड्स में नहीं आप कह सकते, उन्होंने इतना ज़्यादा किया है कि जैसे मैंने बोला भी था भाभी को कि कोई अपने बच्चे को जिस तरह करता है, इस तरह भाभी ने हर एक छोटी छोटी चीज़ें की है कि सबको ये पसंद है, ऐसा पसंद है, और सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के एक एक इंसान के लिए सोचना कि किसको क्या, मतलब मैं बार बार ये कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, इंसान खुद रेडी होकर बैठ जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहंदी भी नहीं लगवाई, खुद रेडी भी नहीं हो पाई हैं, अपने कपड़े भी प्रॉपर नहीं बना पाई हैं, उन्होंने हर एक अपना पूरा 2 महीने हम लोगों के लिए लगा दिए दिन रात, तो भाभी जैसा इंसान कोई नहीं हो सकता है और कोई चाह के भी इतना नहीं कर सकता है, तो उसका वर्ड्स में थैंक यू भी नहीं कहा जा सकता है, वो एक अलग है, वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता। मम्मी भी काफी इमोशनल हुई है, क्या कहना चाहोगे? मम्मी पापा काफी इमोशनल। अम्मी तो मेरी दोस्त की तरह है, तो उनका और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हम लोग ये जानता है कि कैसे एक एक चीज़ सुबह की चाय से लेकर रात में सोने भी नहीं मैंने जाने देती, मेरा बस चले तो मेरे पास ही रहो, तो वो बहुत ज़्यादा मिस करती है, लेकिन वो मुझे खुश देख के खुश भी है। वो अभी डिसाइड करेंगे, वो अभी हम ऐसे चलते जा रहे हैं फ्लो के साथ। लुक आपको पता है भाभी हर चीज़ डिसाइड करती है, लेकिन हम लोगों से पूछ के डिसाइड करके, तो भाभी ने ये हमारा ये मेरा डिज़ाइन किया है, ये तो उनका मान्यवर से लिया है, लेकिन भाई भाभी की पसंद का है, और लोग आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। भाई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बताते हूँ कि दिन भर में 3-3 बार वीडियो कॉल करते हैं, भाई का ये साइड मैंने कभी नहीं देखा था किसी के लिए भी, तो हमेशा मैं कुछ भी कर रही होती हूँ तो, जबकि जैसे भाई सेट पे भी जाते हैं वो उनकी वीडियो कॉल की आदत ही नहीं है किसी को, लेकिन मुझे मेरे फ़ोन पे उनके मिस कॉल पड़े होते हैं, इतने बिजी होने के बाद भी, सेट पे रहने के बाद भी पूछते हैं ठीक हो ठीक हो, अगर ये मुझे घुमाने लेके जा रहा तो इतना खुश होते हैं कि चलो अच्छा तुम घूम रही हो, तो भाई मतलब आप उनको जानते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से शो भाई ने तो समझाया, भाई ने बस यही कहा कि उसका अच्छे से ख्याल रखो, उसको प्यार करो और कुछ नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। No, 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 no